जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी गौशाला में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं अपनी गौशाला में बैठा हूं, तो हमारे नन्हे नन्हे गौवंश भी भोजन का आनंद ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बाकी सभी जो बड़े गौवंश हैं वो सभी जंगल में घास चरने के लिए गए हैं। तो ये कुछ एक हमारे गौवंश है जो अभी यहीं पर है। ये हमारे पास 12 गौवंश हैं छोटे छोटे, तो जिनको हम जंगल नहीं भेजते हैं, तो ये हमारे यहीं पर रहते हैं गौशाला में। तो हम इनका बहुत अच्छी प्रकार से ख्याल रखते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं क्योंकि आजकल जैसा हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कई गौशाला में ऐसा देखने में आता है कि गौवंशों का प्रॉपर से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सिर्फ उन्हीं गौशाला में ये दिक्कत आ रही है जो सरकार के अंदर है, जो मतलब सरकार जिसका संचालन कर रही है, और वो प्रॉपर नहीं मतलब सेवा कर पा रही है। लेकिन जो किसी एनजीओ या किसी प्राइवेट संस्थाओं के पास गौशाला है वो सभी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। बाकी आप खुद ही किसी भी निजी गौशाला में जाके देख सकते हैं, तो आप हमारी गौशाला में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम फिर से जा रहे हैं यात्रा में। मैंने आपको पोस्ट भी शेयर की थी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। तो अभी हम जा रहे हैं काठमांडू यात्रा में। तो आप में से अगर कोई भाई बंधु भी हमारे साथ चलना चाहता है या इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, तो आप सभी जरूर चल सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने सारी जानकारी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी आपको बता दी थी। तो अभी हाल ही में हम अप्रैल महीने में भी वृंदावन धाम की यात्रा में गए थे, तो आप सभी ने हमारे वीडियो देखे, काफ़ी लोगों ने शेयर भी किए, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दोस्तों जो श्री श्याम सेवा समिति के सभी हमारे सदस्य हैं, तो सभी मिलके अभी पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं काठमांडू नेपाल में। तो जो हमारी यात्रा है ये सुंदरनगर से है विशाल पुरी जी, तो उनके सौजन्य से हैं। तो एक दो संस्थाओं के सदस्य और भी जा रहे हैं, तो वो सुंदरनगर से होंगे। तो यहाँ से रामपुर बुशहर से हमारी श्री श्याम सेवा समिति के सभी सदस्य और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि अगर आप भी पशुपतिनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है लाइफ में। अब वैसे जाने के लिए तो बंदा अकेला भी जा सकता है, लेकिन अकेले जाने में और ग्रुप के साथ जाने में काफ़ी मतलब फ़र्क होता है। तो इसके लिए हमारी दो बसें जाएंगी। तो अगर कोई भी भाई बंधु हमारे साथ चलना चाहता है तो ज़रूर चल सकता है। तो हमारी अब सीटों की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको पता है कि अब जो दो बसें जाएगी तो लिमिटेड सीटें ही होगी, तो जब सीटें बुक हो जाएगी तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप अपनी सीट नंबर बुक कर लीजिए। तो सीट नंबर बुक करने के लिए 2500 रुपये आपको एडवांस देना होगा, तो बाकी आप जब यात्रा स्टार्ट होगी तब दे सकते हैं। जो हमारा ये टोटल जो टूर पैकेज बना है ये 16,800 रुपये है, जो आपका सुंदरनगर से आपका पशुपतिनाथ नेपाल के लिए है। तो उसमें आपके सभी दर्शन साथ में होंगे, जैसे अयोध्या राम मंदिर मथुरा में, वृंदावन में, और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ है, और काफ़ी सारे जो भी रास्ते में आएंगे तो हम सारा मतलब उसी में ही होगा। तो जो 16,800 रुपये में है, तो उसमें आपका जो यात्रा का किराया, मतलब जो यात्रा आपकी लगभग 10 दिन की होगी, तो 10 दिन में आपका रहने का जो रूम है वो उसी में ही है, और साथ में खाना पीना ब्रेकफास्ट लंच जो भी मतलब आपका रहेगा वो इसी के अंदर इसी पैकेज में रहेगा 16,800 रुपये में। तो इसके अलावा किसी को अपना पर्सनल शॉपिंग करना होता है या कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं तो वो आप अपने साथ लेके चल सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल मतलब ऐसे कोई शॉप नहीं है, ओनली आप सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए चलना चाहते हैं, तो 16,800 रुपये काफ़ी है। तो उससे आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, आपके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम विशाल पुरी जी की ओर से किया जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छे जो यात्रा कराते हैं, मैं 2-3 बार उनके साथ जा चुका हूँ, तो उनके साथ जो खाने पीने का होता है बिल्कुल सिंपल सादा जो घर का खाना होता है, मतलब होटल वाली आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपको घर वाली ही फीलिंग आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई चलना चाहता है तो ज़रूर चलिए, और जल्द से जल्द आप बुकिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विशाल पुरी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आप, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनका भी। तो वैसे मेरा नंबर जिसको पता है तो पता है, जिसको नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, 9817420025। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी यात्रा की टिकट पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर चलिए पशुपतिनाथ, जैसे मैं भी अपनी गौशाला में हूँ तो इसीलिए हम भी यात्राएं ज़्यादा करते हैं। साल में 2-3 यात्राएं तो होती ही है हमारी। जैसे हम इस साल जो हमारी यात्रा है, स्टार्टिंग में हम वृंदावन हमारी यात्रा हुई थी, दूसरी यात्रा हमारी हम गए थे त्रिलोकीनाथ धाम, वहाँ हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और मतलब काफ़ी सौभाग्यशाली हैं हम कि जो हम इस तरह से यात्राएं कर रहे हैं। तो जो अभी ये साल की जो हमारी आखिरी यात्रा है इस बार की, तो ये है पशुपतिनाथ की। तो आप में से कोई चलना चाहता है तो ज़रूर चलिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, जल्द से जल्द अपनी सीट बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही सीटें हैं। तो लगभग 15-20 सीटें हमारी बुक हो भी चुकी है, तो अब लगभग 60-70 सीटें बची होगी। तो आप जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि बाद में लोगों का ये भी रहता है कहना कि हमें सीट थोड़ी आगे चाहिए, थोड़ी पीछे चाहिए। तो इसीलिए जो सीट नंबर है आप अभी से बुक करा लीजिए, क्योंकि अगर आपकी सीट मतलब पहले बुक होगी तो आपका नंबर आगे आएगा, अगर आपकी लास्ट में होगी तो आपका जो बैठने का होगा सबसे लास्ट में होगा। तो इसीलिए अभी से आप अपनी सीट नंबर बुक कर लीजिए, ताकि टाइमली सब कुछ हो सके। मतलब 30 तारीख तक आप कर सकते हैं, उसके बाद तो बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि तब तक हमारी सीटें पूरी हो जाएगी। तो जो ये यात्रा है ये रहेगी 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। तो इस बीच में लगभग 10-11 दिन का जो हमारा वक्त रहेगा, तो वो भगवान के दर्शन का रहेगा और खूब भजन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस बार 2-2 भजन मंडली है, एक हमारी अपनी श्री श्याम सेवा समिति की भजन मंडली और एक सुंदरनगर से है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी आनंद आने वाला है। तो आप सभी जो भी इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहता है तो आप ज़रूर चलिए और एक बार देखिए किस तरह से यात्रा का क्या आनंद होता है। बाकी आप हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे गाँव शो के लिए आप चारा या फिर चोकर जो भी भूसा जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जो ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तो हम इस तरह के छोटे छोटे गाँव शो का यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रकार से ख्याल रखते हैं। और जो बाकी हमारे बड़े गाँव शो जंगल में घास चरने के लिए गए हैं, तो आप जानते हैं पशुपतिनाथ जी के हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो गाँव शो की भी हम सेवा करते हैं। तो इसलिए आप भी हमारे साथ इस गौ सेवा की मुहिम में जरूर जुड़िए और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। और साथ ही साथ अभी जो हमारी यात्रा है तो जरूर चलिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीटें लिमिटेड है और समय बहुत कम है, यात्राएं तो बहुत होगी, लेकिन एक बार आप हमारे साथ यात्रा करके देखिए तो फिर देखिए क्या आनंद आने वाला है। विशाल पुरी जी का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुकिंग करा लीजिए। तो बुकिंग कराने के लिए आपको 2500 रुपये आप जीपे के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप बुकिंग कराने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर विशालपुरी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना और उनका नंबर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर देकर आप इस यात्रा की पूरी जानकारी ले सकते हैं और यात्रा में चल सकते हैं। इसमें अब हमारे जो सभी सदस्य हैं सबके नंबर भी मैंने दे रखे हैं, तो आप जरूर चलिए, लिमिटेड सीटें हैं। बाकी श्याम जी की कृपा से हम अपनी गौशाला को अच्छे प्रकार से चला रहे हैं। हम श्याम जी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर भी श्याम जी की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, और इन जो हमारे प्यारे प्यारे गौवंश हैं इनकी सेवा के लिए आप सभी हमारा हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बस मैंने ये छोटा सा आपको संदेश देना था कि जो हमारी यात्रा है वो 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में होने जा रही है। नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ के भी हम दर्शन करेंगे, अयोध्या राम मंदिर के भी दर्शन करेंगे और मथुरा में भी जाएंगे। तो जो कोई भाई भी हमारे साथ चलना चाहता है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इस यात्रा का जो किराया है वो 16,800 रुपये है, उसमें आपके खाने पीने का रहने का मतलब 10 दिन का जो भी टोटल खर्चा है वो हमारा ही रहने वाला है। बस आपका जो पर्सनल खर्चा होगा वो आपको खुद से करना पड़ेगा, बाकी इस 16,800 के पूरे पैकेज में आपका पूरे 10 दिन का
सारा मतलब जो अरेंजमेंट है वो विशाल पुरी जी के जी से इनके सौजन्य से होगा। तो आप ज़रूर इस यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे साथ चलिए। तो इसी के साथ आप मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।